ये देखिए काफी मतलब जगह दी हुई है और इसमें ये मॉडलर बना करके दे रहे हैं आप। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें LKO मस्ती चैनल को और देखते रहें हमारी आने वाली नई नई वीडियो। सबसे वेलकम माय टू फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आए हुए हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में काफ़ी खूबसूरत प्रोजेक्ट है और यहाँ पर हाउसेज हैं और हमारे साथ हैं शुभम मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी आपका हमारे चैनल पर आज। और शुभम जी जो है आज आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो ये मकान है के कितने स्क्वायर फीट में बने हुए हैं और क्या इसकी पूरी डिटेल है वो भाई देने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो है हम लेकर के आते रहते हैं। सबसे पहले शुभम जी ये बताइए, सबसे पहले तो हमारे लोगों को एक बार हेलो कर दीजिए। हेलो नमस्कार। तो ये जो लोकेशन है जिस लोकेशन पर हम भी खड़े हैं, सबसे पहले तो लोकेशन के बारे में बता दीजिए लोगों को अभी है कहाँ। लोकेशन की बात मैं करूँ तो मेन फैजाबाद रोड से आपका तिवारीगंज एरिया है जो कि 250 मीटर की डिस्टेंस पर है। अच्छा, मेन फैजाबाद रोड BVD के आगे तिवारीगंज, ठीक है। तिवारीगंज से हम हैं एग्जैक्ट 250 मीटर की 250 मीटर के डिस्टेंस, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नाम इसका क्या है? आमंत्रण विला के नाम से हमारा ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर दो प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, फेज 1 एंड फेज 2। अच्छा, फेज 1 फेज 2। फेज 1 आपके जस्ट सामने ही है। ये रोड जो हम देख पा रहे हैं कितने फीट की रोड बनी हुई है? 25 फीट की। तो आप देख सकते हैं 25 फीट की रोड यहाँ पर है और उसके बाद नालियाँ भी सब कम्प्लीट बनी हुई हैं और मकान भी देखे काफ़ी खूबसूरत आपने बना रखे हैं यहाँ पे। तो आइए हम चलते हैं मकान के सामने, जिस मकान की बात हम कर रहे हैं उस मकान को हम दिखाते हैं। और अभी यहाँ पर मतलब भैया कितने अवेलेबल हैं मकान यहाँ पे? अभी हमारे पास यहाँ पर जो इन्वेंट्री है तो वो तो अभी लिमिटेड ही है। अच्छा, और फेज 2 जो हमारा है लगभग 20 से 25 दिन का उसमें वर्क बचा हुआ है हमारा, ठीक है, उसमें लगभग इन्वेंट्री भी अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ भी है मतलब अभी फिलहाल और वहाँ भी मिल जाएगी, है ना? तो आइए चलते हैं मकान को हम पहले। तो आप देख सकते हैं मकान का जो लुक है काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और ये जो फ्रंट है इसका ये कितना है? ये आपका 29 है। अच्छा, ये 29 है और गहरान कितनी है? 35। तो 39x35 का डायमेंशन है आपका यहाँ पर। अच्छा, टोटल मतलब कितना एरिया है? 1000 आपका है। 1000 है, ठीक है। और इस पे मतलब ऊपर केवल मुमटी आपने बना करके दी? ऊपर आपको मुमटी बना के दी जा रही है जो कि आपके स्टेयर्स को कवर कर रही है। अच्छा, फ्यूचर अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं देन उसके लिए आपको वॉल सेपरेट दी जाती है 4.5 इंच का और 9 इंच के आपके पिलर सेपरेट रहते हैं। अच्छा जी, तो आइए जितनी भी इन्वेंट्री है सभी अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो कार पार्किंग आपने जो देखी है ये क्या एरिया होगा लगभग इसका? ये तकरीबन आपका 10.5x14 के आसपास ही आएगा। 10.5x14 जी। अच्छा, ये एक रूम साइजेस के ज्यादा ही है आपका। अच्छा, मतलब इसमें एक बड़ी गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएगी, आराम से इसमें आप देख सकते हैं पूरा। उसके बाद कुछ एरिया इस तरफ आपको मिल जाता है, हाँ दो तो मतलब सीधी सीधी आराम से लग जाएंगी। जी 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 बिल्कुल जी। ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं ये इंडिविजुअल जितनी भी ये लीड्स हमारे प्रोजेक्ट की जी, इंडिविजुअल सभी में आपको समरसेबल इंस्टॉल करके दिया जा रहा है। अच्छा, और दूसरा ये जो कनेक्शन आता है कि नल का कनेक्शन है। अच्छा, ये नल का है और ये वाला समरसेबल है? ये समरसेबल है, दोनों चीजें मिलेंगी। टैप वगैरह सैनिटरी वेयर और फॉसेट हम तभी इंस्टॉल करते हैं जब हम पोजीशन आपको दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अंदर, हम आपको अब रूम दिखाते हैं। तो देखिए अभी हम लोग रूम में आ चुके हैं और ये आपका बिल्कुल ओपन दिया हुआ है यहाँ से, है ना? तो ये आपका है रूम जो कि बिल्कुल ओपन देखे यहाँ से दिया हुआ है और वॉल भी आपने काफी अच्छी पेंट कर रखी है। इसके बारे में कि ये जो आप वॉल देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जी, ये आपका एशियन पेंट का एक टेक्सचर वर्क किया गया है। अच्छा, जो कि आपकी इधर वॉल पे किया गया है और एक फ्रंट पे आप इधर जो वॉल देख रहे हैं। अच्छा, इस पे भी आपका टेक्सचर वर्क ही है, ठीक है। और घर में सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है वेंटिलेशन का और सनलाइट का। अच्छा, जैसा कि आपने विंडो यहाँ पे जो है काफी बड़ा विंडो है यहाँ पे जो दिया गया है जिसमें आपको वर्क मतलब जो है सारा कंप्लीट मिलेगा।
इसमें जो आउट का कवर है इसमें आपका ग्लास कवर करके दिया जा रहा है। अच्छा, अंदर से भी है जी, अंदर से जो आपका कवर किया गया एंटी मॉस्किटो नेट है। अच्छा, जैसे अगर आपको धूप की समस्या आ रही है आप इस दूर का इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर रात में सिर्फ आपको हवा चाहिए, मच्छर नहीं चाहिए, हाँ मच्छर के लिए आप इसका इस्तेमाल, मतलब इससे मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते सर, क्योंकि जितने भी डोर में आपके विंडो में आपके विंडो लगी हुई है जी, सभी में आपको एंटी मॉस्किटो नेट ऑलरेडी अटैच करके दिया जा रहा है। उसके बाद आपने फॉसिलिंग जो बना करके दी है वो भी, फॉसिलिंग आप सामने देख सकते हैं सर, सभी में एलईडी लाइट्स आपकी ऑलरेडी अटैच हैं। अच्छा, और दो एंट्रेंस आपको दिए जा रहे हैं घर में, ठीक है। बिकॉज प्रेजेंट टाइम में जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि कर्टन से ही पार्टीशन करते हैं अपने ड्राइंग रूम का। अच्छा, तो ड्राइंग प्लस डाइनिंग एक साथ कर दिया गया है, ठीक है, ताकि कर्टन से आपने पार्टीशन। डाइनिंग का भी एरिया आपका काफी है, मतलब ये डाइनिंग और ये जो एरिया है लगभग ये कितना आपने दिया है? 12x22 है। अच्छा, 12x22 का एरिया ये छुटा हुआ है, तो ये बिल्कुल हॉल के तरीके ये अपना है ना। जी ये जो हम क्लोज करते हैं जी, ये पूरा आपका हॉल ऐसे निकल के आता है, मतलब इसमें दो एंट्री आपने दी, एक इधर से और एक उस तरफ से जी, ठीक है। 25 से 30 लोग अगर हैं किसी भी ओकेजन में जी, तो आराम से आपके पूरे हॉल में आ सकते हैं। बाकी इसमें जो टाइल्स आपने यूज किए किस कंपनी है? सर। अच्छा जी, और बाकी इसमें जो वायर वगैरह है ये सब? अगर हम वायर और स्विचेस की बात करें तो सारे आपके RR कंपनी के लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें स्विचेस और वायर जो है वो आपने RR कंपनी के कराए हुए हैं? जो हमारी है वो एंकर की है। एंकर की है, अच्छा। अभी आइए किचन की तरफ चलते हैं, आपको किचन दिखाते हैं। तो किचन में जब आप आएंगे, देखिए किचन में काफी स्पेस है जी, ये देखिए काफी मतलब जगह दी हुई है, और इसमें ये मॉडुलर बना करके दे रहे हैं आप जी। इसमें पूरा मॉडुलर किचन आपको दिया जा रहा है। एक्चुअली एक चीज ये भी आपको बता दूं कि फ्रंट जो आपका 29 का है, अच्छा, इसलिए किचन ही आपका पूरा सेपरेट कर दिया गया है यहाँ पर। अच्छा, मतलब ये किचन भी काफी मतलब स्पेस है किचन में, जैसे स्पेस है और कैबिनेट्स वगैरह आपके जैसे हैं कि आप देख सकते हैं ये जी, ये सारे कैबिनेट्स आपके हैं इस तरीके से। अच्छा, ऊपर भी आपके बने हुए हैं, और जो ये आप कैविटी देख रहे हैं, अच्छा ये ऊपर भी बना करके दिया है, यहाँ पर जो जगह छोड़ी गई है आपकी, ये कैविटी दी गई है, ये आपके सनफ्लेम कंपनी की आपको चिमनी इंस्टॉल करके दी जाएगी। अच्छा, इसमें इंस्टॉल करके देंगे, जिसके एग्जॉस्ट के लिए कैविटी दी गई है, यहाँ से निकल जाएगा जी, बिल्कुल। ये आपका विंडो यहाँ पे देखिए दिया गया है, जिससे आप मतलब जो है बाहर देख सकते हैं कि हाँ भाई अगर आपके यहाँ कोई आता है तो यहाँ पे आप किचन से, क्योंकि ज्यादातर जो है लेडीज किचन में रहती है तो यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए देखिए आपको दिया गया है, यहाँ से आप जो है ऊपर तो ये कंप्लीट बंद हो जाएगा। हाँ, ये आपका कवर रहता है, कवर करके देंगे। प्राइमरी ओटीएस है जी, जितनी भी इन्वेंट्री है सभी में आपको दो ओटीएस दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं रूम देख लेते हैं, ये बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम में जी। ये है मास्टर बेडरूम है, बहुत ही स्पेशियस है जी। क्या लगभग इसका एरिया है मास्टर बेडरूम का? ये 10x14 है। 10x14 जी। तो देखिए 10x14 का ये मास्टर बेडरूम है, और यहाँ पर आपको देखिए वार्डरोब भी एक मिल रही है, रहेगी या मतलब? हाँ, नहीं नहीं, ये जो वार्डरोब आप देख रहे हैं ये डबल भी है। अच्छा, और सभी यूनिट में आपको ये दी जा रही है। अच्छा, सभी यूनिट में मतलब दी जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये आराम से आपको जो है इसमें काफ़ी स्पेस मिलेगा। तो ये सारी यूनिट में आपको मिलेगा, और यहाँ पर भी देखिए फोर्सलिंग का जो वर्क है रूम के अंदर वो कुछ इस तरीके का है, जो कॉम्बिनेशन भी आपको बहुत प्यारा है जी, बिल्कुल काफी प्यारा लग रहा है। अच्छा, एक चीज और शुभम जी पूछेंगे, कोई कलर चेंज भी अगर कराना चाहे? हाँ, जैसे तो अभी ये कलर हो चुका है हमारा जी, मे बी जैसे कुछ इन्वेंट्री अभी हमारी है जो भी वर्क चल रहा है जी, तो उसमें आप अगर कुछ फॉल्सिलिंग में भी चेंज करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल, तो अपने हिसाब से आप करा सकते हैं, क्योंकि पेंट और वॉल पुट्टी की हम बात करें तो वॉल पुट्टी और पेंट हमारा एशियन पेंट का रहता है। अच्छा, तो वो आप जो भी कलर चाहेंगे। ये इसमें अटैच वॉशरूम जी, मैं आपको वॉशरूम पूरा दिखाना चाहूंगा जी। ये आपका स्पेशियस वॉशरूम है, टेन वॉशरूम जी, इसमें आपको एक वेस्टर्न इंस्टॉल करके दी जा रही है, और शावर के लिए कनेक्शन आपका जस्ट आपके सामने है। बाकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये नल का कनेक्शन है, और डायरेक्ट मोटर का कनेक्शन है, और एक आपका गीजर के लिए कनेक्शन दिया जाता है। अच्छा, मतलब कंप्लीट सारे कनेक्शन आपने जो है दे रखे हैं। यहाँ पर अभी फॉसेट सेटिंग का डिस्प्ले नहीं दिख रहा है आपको जी, बिकॉज अभी पोजीशन हम दिए नहीं है। अच्छा, ये सारी चीजें टोटी वगैरह ये आप इंस्टॉल करते हैं किस कंपनी की लगा करके? सेरा कंपनी की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये गीजर का पॉइंट है, ये गीजर का पॉइंट है, और एक आपको पावर प्लग भी दिया जा रहा है यहाँ पे। मे बी इन केस कभी कभार अगर गीजर आपका खराब भी हो जा रहा है तो आप यहाँ पर इमरसन गार्ड से भी वर्क कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो आप इधर देख रहे हैं पानी का निकास दिया गया, यहाँ पर आपको एक बेसिन दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा विशिंग जो है आपको लगा के दिया जाएगा, जो कि अभी नहीं लगा है, लेकिन आपको कंप्लीट करके सारी चीजें मिलेंगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा सा ये ओटीएस दिया गया है, डोर जो है ये यहाँ पे जो है ये ओटीएस के लिए है जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये विंडो है जो कि उस रूम के लिए है वेंटिलेशन के लिए। ऊपर यहाँ पर देखिए आपको सारी चीजें कवर कर दी जाएंगी। एज ए वॉशिंग एरिया में भी आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों रूम को आपके कनेक्ट कर रहा है, इधर की आपने विंडो अगर ओपन कर ली और अगर किसी में आप विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी यूज करना चाहते हैं। हाँ, आपको जी, क्योंकि मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हम सिर्फ विंडो एसी नहीं यूज कर सकते, स्प्लिट एसी यूज कर सकते हैं। तो स्प्लिट एसी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, विंडो एसी के लिए आपको दोनों तरफ दिए हैं, बस आपको ग्रिल रिमूव करनी है और यहाँ पे आप शिफ्ट कर। अच्छा, मतलब यहीं पे विंडो लगा सकते हैं और बाकी इसकी जो एयर है वो ऊपर जाएगी, गर्म की वो एयर हॉट होती है, ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही ऊपर जाएगी, बाकी ये बंद रहेगा, ये आपका बंद रहेगा। ठीक है, तो आइए अब आपको दूसरा रूम भी दिखा देते हैं। तो अभी रूम में चलते हैं, आइए ये देखिए। तो एक रूम ये है और ये आपका रूम है सर, ये सेकेंडरी आपका बेडरूम है जी। और फॉल्सिलिंग सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें फॉल्सिलिंग लाइट के साथ। कलर कॉम्बिनेशन आप किसी भी यूनिट में देखेंगे और किसी भी बेडरूम में देखेंगे, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है जी। मतलब आपने खुद से कलर का जो दिया है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया है, अच्छा दिया। बाकी एसी के लिए भी आपको स्विच यहाँ पर दिया गया है, ये वार्डरोब है ये देखिए यहाँ पे भी आपको मिल रही है। और बाकी एसी के लिए भी आपने यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, वेंटिलेशन के लिए इधर आपकी विंडो दी गई है, ये दिया हुआ है जी। ये रूम कितना बड़ा होगा लगभग इसका डायमेंशन? ये आपका 10x14 ही है। 10x14, तो 10x14 का एक ये मिल रहा है। और बाकी तो देखिए हॉल काफी बड़ा था आपका, बाकी भैया ने टोटल एरिया जो बताया वो कितना बताया था? 1000 बताया था, तो 1000 है इसका टोटल एरिया। तो ये कॉमन वॉशरूम है, ये देखिए ये कॉमन वॉशरूम है जो आपका, यहाँ पर भी सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपको मिलेंगी। अभी जैसा कि यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपको दिए गए हैं टैब, ये यहाँ पर वो गीजर का पॉइंट है, ये वाला जो है आपका शावर का है, बाकी यहाँ पे सारे पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें भी गीजर का है। और ये कंप्लीट करके आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अभी देखिए हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए ये जो आपका ग्रेनाइट यूज़ किया गया है रेलिंग एसएस की है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ जगह मिल रही है जहाँ पे कुछ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब कुछ रख सकते हैं आप आराम से। बाकी यहाँ पे अंदर से देखिए ग्लास लगा हुआ है इधर जी। तो ऊपर से आप देखिए जो काफ़ी बढ़िया पूरा नज़ारा है पूरी कॉलोनी का। ये पूरी गेटेड रहेगी जी, पूरी गेटेड है ना, पूरी गेटेड सोसाइटी है। यहाँ पे आप देखिए सारे मकान जो है वो कंप्लीट इधर बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। शुभम भाई, यहाँ से जो नियरेस्ट में मॉल वगैरह है यहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा पास में आपको? सबसे नियर बाई लोकेशन पर आपका मात्र 600 मीटर की डिस्टेंस पर ही आपका क्राउन मॉल है। अच्छा, क्राउन मॉल जी, क्राउन मॉल है। और जो हमारी सोसाइटी के जस्ट बैक साइड से जो हमारा रास्ता है जी, वहाँ से आप जाएंगे तो बीबीडी आपका मात्र 400 मीटर है। अच्छा, बीबीडी 400 मीटर है जी, सामने ही आपको बीबीडी दिखाई देगा। और बीबीडी के पीछे आप देखेंगे तो मेट्रो होलसेल है आपका, जाके सारी पॉलिटेक्निक वगैरह लगभग यहाँ से, पॉलिटेक्निक तकरीबन यहाँ से 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर जी, पॉलिटेक्निक आपका 6 किलोमीटर है, या शहीद पथ आपका जो की सारी चीजें कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि फैजाबाद रोड पे आपका किसान पथ और शहीद पथ जो की पूरे लखनऊ की कनेक्टिविटी आपको दे रहा है। तो हम बात करते हैं अगर शहीद पथ की, तो वो आपका 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रोजेक्ट शहीद पथ 3 किलोमीटर, तो मतलब ये जो आपका न्यू हाई कोर्ट है वो भी 3 किलोमीटर बगल में ही है, जस्ट बगल में ही है, अवध बस स्टैंड उसके जस्ट बगल में ही है जी। और अगर हम किसान पथ की बात करें तो वो यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है जी। यहाँ पे रहने के लिए मतलब अच्छे स्कूल भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फैजाबाद रोड पे तो काफी स्कूल अच्छे हैं, यहाँ पर स्वरूप है, बीबीडी बगल में ही है जी। अगर हम बात करें थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो सफेदाबाद है जी, जहाँ से आपका सफेदाबाद स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर आपका हिंद मेडिकल कॉलेज है जी। और फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है, फ्लाईओवर आप उतरेंगे नहीं उससे पहले ही आपका चंद्रा डेंटल हॉस्पिटल आपका पूरा है जी। उसके आगे मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जी। फिर अगर हम बात करें सारी चीजें यहाँ पर तो मिल जाती है पास में जी। अच्छा, बाकी यहाँ पे मार्केट वगैरह भी पास ही में है, रोड पे आप निकलेंगे और मार्केट आपकी 250 मीटर मेन फैजाबाद हाईवे पर है। और अगर हम रोजमर्रा की चीजों की बात करें तो जस्ट प्रोजेक्ट के सामने ही बाबा मार्केट आपकी है। अच्छा, बाबा मार्केट जी, यहाँ पर जैसे मिल्क वगैरह हो गया, बच्चों के लिए सामान हो गया, सब्जी वगैरह है, वो सारी जो जरूरत की रोज की चीजें वो सब यहाँ पर मिल जाती है आराम से। सारी चीजें फाइनेंस की सुविधा यहाँ पे मतलब कौन सा बैंक कर रहा है सर? हमारे सारे प्रोजेक्ट जो है वो LIC से अप्रूव्ड है आपके। अच्छा, LIC से यहाँ पे LIC से आपको लोन मिल जाएगा आराम से, है ना, मैक्स टू मैक्स आपको लोन मिल जाएगा। और दूसरी बात की जो ROI है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जी, वो 6.66 है LIC का। LIC का जी हाँ। बाकी जी, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो लगभग कितने परसेंट तक हो जाएगा? 80% आपका लोन, 80% लोन करा देंगे आप। ठीक है, क्या रेट रखा है इस मकान का आपने सर? जो
प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं जिस सोसाइटी पे हम लोग खड़े हैं जी, ये आपका 55 लाख रुपए उसका रेट रखा गया है। अच्छा, मतलब जो अभी आपने मकान दिखाया है उसका जो रेट है वो 55 लाख रुपए। जी, 55 लाख है। ठीक है, उसके अलावा जो आप और भी बना रहे हैं यहाँ पे? और यहीं से हमारी बस थोड़ी दूरी पर ही एक दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा, आमंत्रण मिला फेज 2 के नाम से है। अच्छा, वो हमारा सेम सारी चीजें यही है जो आप अभी देखे हैं, सारी चीजें आपकी यही, यही आपका सेम एरिया है, वो आपका 50 लाख रुपए में है। अच्छा, वो 50 का है, ये 55 का है। एक्चुअली ये आपका मेन सर्विस लेन पर है जी, वो कनेक्टिंग रोड पर है जी। डिस्टेंस तो मतलब आपकी दोनों की सेम है, मतलब थोड़ा सा फर्क है 4-5 लाख रुपए का जी। 55 का ये है, 50 का वो है। बाकी कोई भी हमारा भाई अगर आता है तो उसके लिए कुछ क्या कुछ ना कुछ होगा, ऑन टेबल बैठेंगे तो। बिल्कुल, अगर एलके मस्ती की तरफ से आ रहे हैं तो बिल्कुल सर, तो बिल्कुल देखिए शुभम भाई जो है इस पे ज़रूर ध्यान देंगे अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी मकान आप देखिए काफ़ी बढ़िया बनाए गए हैं और कई साइटें आपकी जो है चल रही हैं, जैसा कि जो आपकी साइटें और ख़त्म हो चुकी हैं पहले। जी जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इंक्लूडिंग डिलीवर प्रोजेक्ट तकरीबन हमारे 8 से 9 प्रोजेक्ट हैं। 8 से 9 प्रोजेक्ट, जैसे हमने अभी चिन्हट में एक इलाइट विला बनाया हुआ था जी जी, जो कि हमारा डिलीवर्ड हो चुका है, वहाँ पर फैमिली करीबन 2 साल से रह रही है जी जी। फिर हमारा आइडियल विला मटियारी में था, आइडियल विला जी, वहाँ पर हमारे 2 BHK एंड 3 BHK थे, वो भी हमारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी हमारी एक साइट आई हुई है सफेदाबाद में, जो कि मेन हाईवे से आपका मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, एग्जैक्ट 50 मीटर, वो न्यू है अभी? जी हाँ, वो न्यू है। वहाँ पर जो हमारा रेट चल रहा है वो 46 है। 46 का जी, 46 लाख का है। और सबसे एक बात मैं ये आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि काफ़ी कस्टमर्स का ये कंफ्यूजन रहता है कि आपका तिवारीगंज बाराबंकी में आ रहा है या फिर आपका लखनऊ में आ रहा है। तो ये आपका लखनऊ में आ रहा है, मतलब इसकी रजिस्ट्री जो होगी वो लखनऊ में ही होगी जी। सफेदाबाद जो होगा वो हमें लग रहा है बाराबंकी से होगा, नवाबगंज में, बाकी ये लखनऊ से होगा जी। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख करके बताइएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया करते हुए, कुछ नया दिखाते हुए। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें। Goodbye.